अगर अभी तक आपने मिर्च मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को टैप कीजिए रोज एक नई रेसिपी के लिए। दोस्तों, मिर्च मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ मधु। आज मैं फिर से आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको ब्रेड का रसगुल्ला बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 8 पीस ब्रेड लिया है। ये वाइट ब्रेड है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक किशमिश लिया है और मैंने आधा कप नारियल का पाउडर लिया है, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। मैंने एक कप दूध लिया है और मैंने एक टेबल स्पून मैंने घी लिया है। अब हम ब्रेड का ब्राउन पोर्शन को काट करके हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। हम सभी ब्रेड के ब्राउन पार्ट्स को काट के निकाल लेना है। हमें वाइट ब्रेड के सारे ब्राउन पोर्शन को काट के निकाल दिया है। अब हम मिक्सी के जार में इसे तोड़ लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ लेंगे। अब मैंने इसे तोड़ लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। हमें पानी यूज नहीं करना है, इसे हमें सूखा ही पीसना है। इसे हमें ब्रेड क्रम्स खाना है, इसलिए हम इसे सूखा ही पीसेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसे ब्रेड को पाउडर बना लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैंने एक पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसे थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैं एक कप दूध डालेंगे, जो हमने लेके रखा था वो दूध को हम डाल देते हैं इसमें। अब हम इसे थोड़ा गर्म होने के लिए देते हैं। अब ये देख रहे हैं कि दूध उबल चुका है। मैंने गैस को धीमी आंच ही रखा है। अब हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स को डालेंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये नारियल का पाउडर डालेंगे, जो मैंने हाफ कप लिया था। और हम इसमें ये घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इसे आपस में अच्छे से मिक्स करके एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने एक सॉफ्ट डो बना लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका रसगुल्ला कड़ा बनेगा। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तक कि ब्रेड का मिश्रण ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसका चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमें एक बर्तन मैंने लिया है। अब उसमें हम आधा गिलास पानी डालेंगे और ये जब ये पानी गर्म होता है, और हम यहाँ पे एक और आधा गिलास मैंने चीनी लिया है। और पानी गर्म होने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। मेरा पानी उबल चुका है, मैंने इसमें चीनी डाल दिया है। हम इसे इसका रसगुल्ला बना रहे हैं, इसलिए हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। अब उबलने के बाद हम सिर्फ 5 मिनट इसे हम तेज आंच पे उबाल देंगे। अब ये मिश्रण ठंडा हो चुका है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मेरा चीनी पिघल चुका है। हम अब 5 मिनट और इसे पका लेते हैं। और हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। हम इसे 5 मिनट के लिए खाली सिर्फ उबालेंगे। अब मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने इसे 10 मिनट मैश किया है। आप जितना इसे मैश करेंगे आपका रसगुल्ला उतना ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आप चाहे तो अपने हाथ में घी लगा कर इसके भी इसको मैश कर सकते हैं। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका डो सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका रसगुल्ला भी कड़ा बनेगा। अब ये चाशनी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसका रसगुल्ला बना लेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा किशमिश चाहिए। आप चाहे तो हाथ में घी भी लगा सकते हैं, मैंने यही लगाया है। अगर आप चाहे तो आप लगा सकते हैं। अब हम इसे इस प्रकार से गोल करेंगे और हम इसके बीच में ही हम इसे मैंने किशमिश डाला है इसके अंदर, और हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे।
और हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हर गोला क्रैक्स फ्री होना चाहिए। अगर जरा सा भी क्रैक रहेगा तो आपका चाशनी के अंदर ये रसगुल्ला फट जाएगा। आपको इसी प्रकार से बिना क्रैक का गोला बना लेना है, रसगुल्ला बना लेना है। मैंने सब ब्रेड के मिश्रण से मैंने एक सॉफ्ट गोल रसगुल्ला तैयार कर लिया है। अब बिना क्रैक्स फ्री होना चाहिए, नहीं तो ये रस में डालते के साथ ये टूट जाएगा। मैंने यहाँ चाशनी को मीडियम आंच पे रखा है। अब हम इसके अंदर अब ब्रेड के रसगुल्ले को डाल देंगे। मैंने सारे रसगुल्ले को डाल दिया है। मैंने गैस को मैंने मीडियम आंच पे रखा है। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम आंच में इसे 5 मिनट तक हम पकने देंगे। अब 5 मिनट हो गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसे उठाएंगे। आप देख रहे हैं कि मेरा रसगुल्ला अब हो चुका है। अब आप इसे एक बर्तन में निकालें, इसे ठंडा होने दें और उसके बाद इसे सर्व कीजिए। अब आपको ये ब्रेड का रसगुल्ला बनाने की विधि आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।